गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। देखो ये, इसमें देखो ये फर्स्ट सम, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस टू डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। इनको देखो कैसे लिखोगे डेसिमल फॉर्म में। यहाँ जो लिखा हुआ है 3/10, 10 जो लिखा हुआ है, 10 में कितने जीरो हैं, 1 0 है। तो हम इसमें हमने डेसिमल लगाना है। कैसे लगाओगे, जितने जीरो हैं नीचे देखो, अगर 10 है तो पीछे से 1 डिजिट छोड़ करके हम आगे डेसिमल लगा देते हैं। जैसे देखो ये, यहाँ पर हमने लिख दिया 3, यहाँ पर है ये डिजिट है फर्स्ट, ये 3, इसके आगे 1 डिजिट छोड़ करके 1 डिजिट ही आई है, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया। तो क्या आ गया हमारे पास, डेसिमल 3, या इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं, 0.3। ऐसे ही देखो ये 9/10 है, इसमें भी ऐसे ही करना है, 9 को छोड़ करके यहाँ डेसिमल आ जाएगा, 0.9। अगला देखो ये 16/10 है, 16 लिख दिया हमने, तो यहाँ पर 1 डिजिट छोड़ गए क्योंकि 10 है तो 1 डिजिट छोड़ करके डेसिमल लगेगा। पीछे से 1 डिजिट छोड़नी हमने, 1 डिजिट ये छोड़ी, फिर इसके आगे डेसिमल लगा दिया हमने, 1.16। ऐसे ही देखो ये, यहाँ क्या लिखा हुआ है 25/100, इसको कैसे लिखेंगे डेसिमल में, 25। अब यहाँ 100 है, अब तक क्या था इनमें 10 था, तो इसमें 100 में 2 डिजिट छोड़ेंगे। जैसे 100 में 20 है, इसको याद करने का तरीका यही है, इसमें 20 है तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2, और इसके आगे डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पर ये डेसिमल लगा दिया, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा 0.25। जैसे इसमें है, यहाँ पर 321 है, यहाँ पर यहाँ 100 दिया हुआ है, तो 100 है तो हम पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, 1 2, और यहाँ डेसिमल आएगा इसमें, तो ये यहाँ डेसिमल आ गया इसमें, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला देखो, इसमें 9/3/10, ये जो 9 है ये होल नंबर है पूरा, ये होल नंबर, इसको तो आगे ही लिखना है, उसके बाद आएगा डेसिमल। यहाँ क्या है, 3/10 है, 3/10 आपको पता है 1 डेसिमल छोड़ेंगे इसमें, 1 डिजिट छोड़ेंगे, ये 1 डिजिट ही है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे इसमें देखो ये 6 तो पूरा होल नंबर है, ये 19/100, 19 कितने, यहाँ पर 100 है, 2 डिजिट छोड़ करके डेसिमल आएगा, 19, ये 6.19 ये आ जाएगा यहाँ पर ये। अब अगला देखो, इसमें सेकंड सम, राइट द डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। ये जो डेसिमल्स नंबर दिए हुए हैं इनको हमने फ्रैक्शंस में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, इसका उल्टा है। जैसे यहाँ पर 0.1 है, तो 1, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, इधर इस साइड में राइट साइड में 1 डिजिट है ओनली, तो 1 डिजिट हो गया था, हम यहाँ पर 10 लगाएंगे। इसमें भी क्या है, 1 डिजिट है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7/10। इसमें देखो ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रही है ओनली, इसमें भी क्या आ जाएगा, 31/10। ये डेसिमल नहीं लगाना है इसके साथ में, फिर ये इसको फ्रैक्शन में लिखना है इनको। यहाँ पर क्या है देखो, 93/10 ये आ गया इसमें। ये इसमें अगला देखो, ये यहाँ कितना है, यहाँ डेसिमल के बाद, इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, जब 2 डिजिट होते हैं तो 100 लगाते हैं, मतलब उतने ही जीरो लगा दो आप उसमें, अगर 3 डिजिट होते तो उसमें 1000 लगा देते। इसी तरीके से देखो ये 132, तो कितने डिजिट हैं, 1 और 2, यहाँ इस डेसिमल के बाद 1 2 डिजिट हैं यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा इसमें। ये इसी तरीके से देखो ये 15, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 15/100, और यहाँ देखो ये 6/33 है, तो यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 633, यहाँ पर भी 1 2 2 डिजिट है, तो कितना आएगा इसके नीचे, 100 आ जाएगा, 100, तो ये इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो इस तरीके से करना है ये। थैंक यू।